नमस्कार, प्रभात खबर के स्पेशल एजुकेशन सेगमेंट में मैं राजलक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ। एसएससी ने सीएचएसएल पद पर करीब 4500 की रिक्ति निकाली है। ऐसे में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस पद पर आवेदन कर रहे हैं और आवेदन के साथ ही वो तैयारियों में जुट चुके हैं। हालांकि तैयारियों का ये अंतिम दौर है, ऐसे में अंतिम दौर में किस तरह से तैयारियां होनी चाहिए और क्या कुछ छूट गया है जिस पर अभी भी परीक्षार्थी तैयारी कर सकते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने शिक्षक रितेश श्रीवास्तव सर। सर, हम आपका स्वागत करते हैं इस विशेष सेगमेंट में। सर, जैसे कि 4500 पदों पर रिक्ति अभी निकली है और कई अभ्यर्थी इसके लिए प्रयासरत है, तैयारियां कर रहे थे और फॉर्म भी भर रहे हैं, तो ये एसएससी सीएचएसएल के अंतिम दौर में किस तरह से तैयारी होनी चाहिए? जी देखिए, अभी तक से जितने भी परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा के लिए अप्लाई किया होगा, उनकी परीक्षा जो होगी वो एक रणनीति के हिसाब से उनको करना चाहिए। अंतिम समय में जो तैयारी का जो मेन फोकस होता है, मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें और फिर से कुछ नया पढ़ने की प्रयास उनको को नहीं करनी चाहिए। ऐसे समय में जो अपना जो मजबूत पक्ष है उसको समझें और उसी को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। अगर सर हम एसएससी सीएचएसएल परीक्षा की बात करें तो ये परीक्षा क्या है? चूँकि सेकेंडरी लेवल पर ये होता है, प्लस टू के विद्यार्थी इस परीक्षा को देते हैं, और इसका पैटर्न किस तरह से रहता है? देखिए, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो हमारे दर्शकों को पता होगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल के जो जॉब्स होते हैं उसके लिए रिक्रूटमेंट करने के लिए एक संस्था बनाई गई है, जो अलग अलग स्तर पे अभ्यर्थियों को रिक्रूट करने के लिए परीक्षाएं कंडक्ट करती है। मुख्य रूप से ये परीक्षा 3 स्तर पर होती है, 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के पास। तो 10वीं के पास पास करने के बाद आपके पास जो एक मौका होता है उसमें MTS के लिए आप मल्टीटास्किंग सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं के बाद CHSL की परीक्षा होती है, जिसमें अलग अलग पदों के लिए जो लोअर डिवीज़न क्लर्क होते हैं या ऑफिस असिस्टेंट, जो जूनियर असिस्टेंट होते हैं, उसके लिए कर सकते हैं। और जो ग्रेजुएट पास अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए SSC CGL की परीक्षा होती है, जिसमें कि इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, फिर आपको CBI, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ऐसे डिफरेंट जो बड़ी बड़ी एजेंसीज है उसमें काम कर सकते हैं। और उसमें ये आपका अपर डिवीजन क्लर्क के लेवल पे और कुछ ऑफिसर्स लेवल पे रिक्रूटमेंट होती है। सर, अभी मेरा अगला सवाल भी लगभग यही है कि SSC CGL और SSC SC CHL में क्या अंतर है? चूँकि परीक्षार्थी जो है वो काफ़ी इसको लेकर परेशान रहते हैं, ये सवाल सभी के मन में है, तो आप अंतर बताएं। देखिए, इसका मुख्य अंतर ये होता है कि ये एंट्री लेवल पे आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। जहाँ SSC CHSL के लिए आप 12वीं पास करके जा सकते हैं, SSC CGL के लिए आप ग्रेजुएशन को पास करके जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब दोनों में शिक्षा का स्तर अंतर होता है तो आपको जो पद मिलता है उसका भी स्तर अलग होता है। तो एग्ज़ाम का, परीक्षा का जो पैटर्न है वो भी बिल्कुल अलग होता है। CHSL के लिए जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो 3 टियर पे एग्ज़ाम होता है। मुख्यतः 2 टियर का एग्ज़ाम होता है, तीसरा कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए ही होता है, जिसको कि जो आप अलग अलग लेवल बोलते हो उसको हम लोग टियर बोलते हैं। तो पहले टियर में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स होते हैं और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स में आपको मुख्यतः 4 पेपर पढ़ने पड़ते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल स्टडीज़। इसके 25-25 क्वेश्चन होते हैं, टोटल आपको 100 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं और आपको मिलता है 1 घंटे का समय, ठीक है। और उस परीक्षा को जब आप पास करते हैं तो आपको फिर दूसरे लेवल की परीक्षा होती है, जो नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें कि आप एक एसे और लेटर राइटिंग को चेक किया जाता है। बाकी जो ऑफिसर्स ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के लिए अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उस पद के लिए आपको जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपके कंप्यूटर और टाइपिंग स्किल को भी चेक किया जाएगा। और क्योंकि 2017 के बाद से गवर्नमेंट के किसी भी जॉब में क्लैरिकल कैडर पर इंटरव्यू नहीं होता है, तो ये सबऑर्डिनेट लेवल के आपको इंटरव्यू नहीं होगा। ये चरण जब आप पास करते हैं तो आपके हाथ में सीधे जॉब होता है। सर, प्लस टू के दौरान ही छात्र, चूँकि प्लस टू के बाद ये परीक्षा का आयोजन हो जाता है और वो उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ऐसे में प्लस टू के दौरान छात्र किस तरह से इसकी तैयारी कर सकते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। आज के दौर में प्रतियोगिता बहुत बढ़ती चली जा रही है, सीटें कम होती हैं, अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो ये कहते हैं कि वेल बिगन इज़ हाफ डन। अगर आपकी शुरुआत अच्छी होती है तो आधा काम आपका समझ लो हो गया।
तो अगर आपने तय कर लिया है कि आपको इसी फील्ड में जाना है, आपको सरकारी नौकरी ही करनी है, तो बेहतर है कि आप 12वीं 10वीं पास करने के बाद ही अपना विज़न को क्लियर कर लें और 11वीं 12वीं के समय से ही आप तैयारी कर लें, अगर आपने लक्ष्य बना के रखा है यही करने का। तो आप पढ़ाई के साथ इस चीज़ पे भी फोकस कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मज़ेदार बात यह है कि आपके 11वीं और 12वीं के स्तर के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आप पढ़ के जाते हो वही प्रश्न आपको परीक्षा में भी आते हैं। यानी कि मन में दृढ़ निश्चय हो और शुरुआत में ही अगर विद्यार्थी जान ले कि उसका आगे का लक्ष्य क्या है, तो फिर ये CHSL की परीक्षा ज़्यादा कठिन नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, जिन्होंने 12वीं पास करते ही CHSL की परीक्षा बहुत ही आराम से पास कर ली है, अब वो अगले चरण में CGL की तैयारी में लग गए हैं। जब तक उनका ग्रेजुएशन हो जाएगा तब तक से वो CGL के लिए भी तैयार हो जाएंगे। सर, एक सवाल जो है वो अटेम्प्ट की बात हम करते हैं, तो कितने बार विद्यार्थी CHSL परीक्षा के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए एज लिमिट आपको 18 साल से 27 साल तक होता है, तो इस एज लिमिट के भीतर आप जितने चाहें उतने अटेम्प्ट ले सकते हैं, इसमें कहीं पे कोई परेशानी की बात नहीं है। UPSC की तरह यहाँ पे अटेम्प्ट्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, तो यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं, वो दे सकते हैं। और जैसे कि मेरे शुरुआती सवाल था कि ये तैयारी जो है विद्यार्थियों की अंतिम दौर में है, ऐसे में जो भी छात्र ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप अगर कुछ कहना चाहें, कुछ संदेश देना चाहें, तो वो क्या रहेगा सर? देखो, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो लक्ष्य आपने तय कर लिया है और उसके तैयारी में अब आप लगे रहें और पूरी तरीके से अपने लक्ष्य पर ही फोकस करें, किसी भी तरीके की नेगेटिव नकारात्मकता अपने मन में नहीं आने दें। याद रखें, व्हाट मैन हैज़ डन मैन कैन डू, इंसान जो कर सकता है, एक इंसान जो कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ यही नहीं, CHSL ही नहीं, आप में क्षमता है कि आप बहुत ही बड़े लेवल के भी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं, बस खुद पर विश्वास रखिए और अपनी तैयारी पूरी तरीके से करते रहें। चलिए, तो ये तमाम उन विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो कि SSC CGSL परीक्षा में अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं। 4500 पदों पर रिक्ति निकली है, ऐसे में बहुत से विद्यार्थियों के मन में सरकारी नौकरी का सपना ज़रूर रहता है और तैयारी अंतिम चरण पर है। हमने कोशिश किया है कि तमाम जितने भी परेशानियां या उलझन आपके मन में हैं, हम उन मुश्किलों का हल और उन उलझनों का हल इस सेशन के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाए। और अंतिम स्तर पर तैयारी है तो बेहतरीन होनी चाहिए, और जैसा कि सर ने कहा कि अगर मन में दृढ़ निश्चय है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद सर, एक बार फिर से। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।